नमस्कार, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अघोरी वशीकरण मंत्र तांत्रिक साधना के बारे में। अघोरी बाबा वशीकरण तंत्र साधना। इससे पहले कि हम अघोरी वशीकरण के बारे में आपको बताएं, आपको कुछ और जरूरी बातें भी बताते हैं। अघोर पंथ का मार्ग अपना चुके साधकों को ही अघोर पंथी कहा जाता है। उनकी साधना करने की विधि बहुत अलग होती है। ये लोग शमशान घाट में साधना करते हैं, नर मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म से लेप लगाते हैं पूरे बॉडी पर, और साथ ही साथ शमशान घाट में शिव साधना शब साधना की जाती है। तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में इसे किया जाता है। अघोरी बाबा वशीकरण मंत्र के द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, चाहे पाना चाहते हो आप अपने पुराने प्यार को, या फिर माता पिता को मनाना चाहते हैं प्यार की शादी करने के लिए, या फिर आप जाना चाहते हैं विदेश काम के लिए, काला जादू से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, या प्रेमिकाएं अपने प्रेमी को अपने वश में करना चाहती हैं, पति पत्नी एक दूसरे को वश में करना चाहते हैं, अगर किसी माँ का बेटा उसकी बात नहीं मान रहा, या फिर किसी भाई की बहन उसकी बात नहीं मान रही है, तो आप एक बार हमारे नंबर पर कॉल लगाएं। हमारी एक सलाह आपकी जिंदगी बदल देगी। जो व्यक्ति मुल्ला मौलवी तांत्रिक से धोखा खा चुके हैं, निराश हो चुके हैं, एक बार जरूर फोन लगाएं हमारे नंबर पर। आपकी कॉल खाली नहीं जाएगी, आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अघोरी बाबा वशीकरण तंत्र क्रिया के द्वारा दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर संतान सुख पाना चाहते हैं, लव प्रॉब्लम या फिर ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा सिर्फ एक कॉल पर। कॉल लगाएं, हमारे वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।